सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको बतानी है। देखो, अब आप ना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय हॉस्टल के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो आगे भी मैं पूरा न्यूज़ बताने वाला हूँ कि कैसे क्या होगा, ठीक है, कैसे क्या होगा, कितनी सीट है एंड कुछ नए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, तो क्या प्रोसेस होगा हॉस्टल का। क्या ऐसा होगा कि जो सबसे पहले फिल करेगा उसको हॉस्टल मिल जाएगा, या फिर जो बाद में फिल करेगा उसको हॉस्टल नहीं मिलेगा। मैं भी सभी के बारे में डिटेल में बात करूंगा। एक और चीज़ मैं हर बार बोलता हूं कि कोई भी अपडेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही मिलती है, यानी कि इम्प्रूव स्टडी मैट 2 पर। अप्लीकेशन फॉर्म आया तब भी यहाँ पर एंड जितने भी लगभग न्यूज़ होती हैं आपको सबसे पहले मिल जाती हैं, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो तो इसका कहने का मतलब यही है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही कोई और अपडेट आता है आपको तो डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। एंड साथ ही साथ आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया गया है, तो अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल इम्प्रूव स्टडी मैट 2 ज्वाइन करिए, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको पूरा आर्टिकल यानी कि न्यूज़ पढ़ के सुना देता हूँ क्या है। देखो, अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय छात्रावास के लिए आवेदन करें, यानी कि फ्रेंड्स अब आप हॉस्टल के लिए आवेदन कर सकते हो। हॉस्टल का कट ऑफ कितना जाता है इस सब के बारे में मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, फीस कितनी होती है, कट ऑफ कितना जाता है। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहने वाले और छात्रावास में रहने के इच्छुक लोगों को भी प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय इसके लिए आवेदन करना होगा, AU के अधिकारियों ने कहा। देखो, हॉस्टल का साइज से फ्रेंड्स अप्लीकेशन फीस अलग होता है, लेकिन उसी के साथ साथ आप फिल कर सकते हो। हालांकि अभी मैं चेक कर रहा था तो उसमें दिखाई नहीं दे रहा था, शायद जब आप रजिस्टर कर देते हो, लॉगिन करते हो, उसके बाद वहाँ से दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर कोई आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो मुझ पर बिलीव करता है या पर मतलब उसको मुझ पर विश्वास है, तो वो अपना फ्रेंड्स अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो अपना लॉगिन आईडी या पासवर्ड अगर मुझे सेंड कर दे ईमेल आईडी पर, आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में, या फिर मैं अभी इसी मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर सेंड कर दीजिएगा। तो क्या प्रोसेस है मैं अच्छे से देख लूँगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो अगर आपको विश्वास होगा तो तभी देना फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है आप अपना ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड देने के बाद पछताओ, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, अच्छे से सोच लेना तब देना। चलिए, 2 छात्रावासों का निर्माण और इंटरनेशनल हाउस का विस्तार पिछले साल शुरू हुआ था और रिकॉर्ड समय पूरा होने वाला है। तो देखो, इसका ये मतलब है कि पिछले साल 2 हॉस्टल कम थे, अब 2 हॉस्टल और ऐड हो गए हैं, तो हो सकता है कट ऑफ कम जाए, क्योंकि देखो जब ज़्यादा संख्या हो जाती है यानी कि ज़्यादा अगर जगह हो जाता है तो स्टूडेंट ज़्यादा जाएंगे, अगर स्टूडेंट ज़्यादा जाएंगे तो कट ऑफ कम रखनी पड़ेगी ना, तभी तो स्टूडेंट ज़्यादा जा पाएंगे। अभी मैं बताने वाला हूँ कि ये जो 2 नए इंटरनेशनल या फिर नेशनल बने हैं उनमें सीट कितनी है, ठीक है। देखो, ये तो फ्रेंड्स मैंने ये न्यूज़ बता ही दिया है, चलिए आगे देख लेते हैं। एंड एक और चीज़ फ्रेंड्स, AU के अधिकारियों ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2 नए छात्रावास, तो एक तो पुरुष का और एक महिला का है, ठीक है, एंड एक इंटरनेशनल हाउस के लिए है, ठीक है। इंटरनेशनल हाउस मतलब जो आप बोल सकते हो जो बाहर से स्टूडेंट आते हैं शायद से वो होगा। एक बार नए छात्रावास तैयार हो जाने के बाद 382 अतिरिक्त छात्रों को आवास आवंटित किया जा सकता है, मतलब कि फ्रेंड्स ये जो छात्रावास बन रहा है अब 382 स्टूडेंट और रह सकते हैं, तो 382 स्टूडेंट का मतलब बहुत होता है गाइस, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे भाई तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। देखो, हॉस्टल का कट ऑफ किस पर जाता है समझ रहे हो, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो कट ऑफ जाता है उसी हिसाब से आपका हॉस्टल का भी कट ऑफ जाता है, लेकिन उसका कट ऑफ अलग रहता है क्योंकि वहाँ पर सीट कम होती है तो उसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। बट आप जितना एंट्रेंस एग्जाम में नंबर लाते हो उसी हिसाब से मिलता है। तो एक चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाकर रहने लगोगे ना तो कम से कम 2500 से 3000 तो किराया हो जाएगा, तो एक महीने का 3000 एंड आप जो मानकर चलो बिजली का बिल, पानी का बिल या फिर ये सारी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत अच्छा नंबर ले आओ, उसके बाद क्या करोगे, हॉस्टल मिल जाएगा, तो हॉस्टल में फ्रेंड्स फीस तो देनी ही होगी एंड साथ ही साथ स्कॉलरशिप के बाद, स्कॉलरशिप के साथ साथ शायद वापस भी आ जाती है, अगर नहीं भी आती तो बहुत कम फीस रहती है, मिनिमम फीस रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ सकते हो 124 महिला छात्रावास एंड 224, ये तो टोटल जोड़ दोगे तो 348, ठीक है, 348 हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे टोटल न्यूज़ क्या है। एंड एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए,
क्योंकि अपडेट आएगी तो सबसे पहले तो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।